नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जो आप सभी को चौंका कर रख देगी। जी हां, अनंत सिंह के AK-47 के मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। जी हां, बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए AK-47 मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी और इस मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है। सिविल कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। बता दें कि अनंत सिंह AK-47 मामले में 2016 से जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 बरामद किया था और यह मामला पूरे बिहार में सुर्खियों में बना रहा। इस मामले में सिविल कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी और इस फैसले को लेकर अनंत सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में ललन सिंह का किया था समर्थन। बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह कुछ दिन पहले पेरोल पर जेल से बाहर आए थे। वो अपने संपत्ति के बंटवारे के लिए पेरोल पर बाहर आए थे। इस दौरान अनंत सिंह ने मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी थी, चर्चा में भी बने रहे थे। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था। उन्होंने ललन सिंह को खुला समर्थन दिया था। साथ ही ललन सिंह की जीत को लेकर पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दिया था। वहीं मुंगेर सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। RJD ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को टिकट दिया था। तो ये अनंत सिंह को लेकर बड़ी खबर। बाकी इस खबर पर आपकी राय बताइए। धन्यवाद।